नमस्कार। राशन जी के ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 12। धोकड़ा दर्रा अभयारण्य की जंगलों में प्रमुखतः पाया जाता है। दर्रा अभयारण्य का स्थापना वर्ष 1955 और ये कोटा से कितनी किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 55 किलोमीटर। कुंभलगढ़ अभयारण्य पाली उदयपुर राजसमंद में है और यहाँ पर यह जंगली धूसर मुर्गों के लिए विख्यात है। और कुंभलगढ़ अभयारण्य को 1971 में अभयारण्य घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 586 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं जैसे मंचाला, महावीर, परशुराम, महादेव आदि। यह कुंभलगढ़ अभयारण्य है अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसे 1980 में केंद्रीय प्रोत्साहन योजना में शामिल करके आर्थिक मदद देना शुरू किया गया। यहाँ विविध जंतु होते हुए भी भेड़िए यहाँ की शान है। चार सींगों वाले मृग चोसिंगा को यहाँ कुंभलगढ़ अभयारण्य में घंटेल कहा जाता है। और ये जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है, ये लूनी व बनास नदी का उद्गम स्थल है और रनकपुर का मंदिर भी कुंभलगढ़ अभयारण्य में ही है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर तरवाई माता बांसवाड़ा में है, जबकि दधी माता व आंवल माता का मंदिर नागौर, पिपला माता का मंदिर उदयपुर। राजस्थानी पीठ की स्थापना नरोत्तम स्वामी ने की थी। कप्तान के नाम से जाने जाते हैं दुर्गा प्रसाद चौधरी। राजस्थान का फर्स्ट समाचार पत्र सरहित किसने निकाला था? मेहता लज्जाराम शर्मा ने। नेक्स्ट आ जाता है, चोसिंगा विश्व का एकमात्र ऐसा हिरण है जिसके नर के चार सींग होते हैं। गजनर का निर्माण कहाँ किया जाता है? राष्ट्रीय मरुद्यान में। जमुना लाल बजाज गांधी जी के पांचवें पुत्र हैं, जिनका जन्म स्थान काशी का बाद सीकर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निर्वाचित होने वाले फर्स्ट भारतीय डॉक्टर नगेंद्र सिंह। नरोत्तम स्वामी की रचनाएं हैं जैसे ढोला मारूला दूहा, राजस्थान का दूहा। राजस्थान थ्रू दी एजेस नाथूराम खड़गावत ने लिखा है। एक ही आंदोलन चलाए या मात्र कुंडिया में। राजस्थान में भील जाति के उद्धारक मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों के मसीहा भोगीलाल पंड्या। पोलो खेलते समय गिर जाने से मृत्यु हुई मानसिंह की। भरत व्यास कौन थे गीतकार? मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य माँ को ना रोना पड़े, ये कहा था प्रताप सिंह बारट ने। रीको का फर्स्ट अध्यक्ष भगवंत सिंह मेहता, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर और भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर। दादा के नाम से जाना जाता है दामोदर लाल काबरा को। राजस्थान की फर्स्ट लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। पश्चिमी राजस्थान की यात्रा कर्नल जेम्स स्टोर ने लिखी थी। कर्नल जेम्स स्टोर स्कॉटलैंड के निवासी थे। मुनि जिन विजय ने सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना की चंदेरिया में। राजस्थान में पत्रकारिता के पिता में पंडित जावरमल शर्मा। स्वामी विवेकानंद का संबंध राजस्थान के किस स्थान से रहा? खेतरी। और संत रविदास की छत्री है चित्तौड़गढ़ में। धन्यवाद।